का शिव कुमार है, एक संस्था है ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज, इसमें इराज परियोजना के अंतर्गत किसानों को बाढ़ से नुकसान वाली फसल बचाने के लिए जैसे सोना सबन प्रजाति का उपयोग किया जाता है, ताकि बाढ़ आने से अगर ये फसल 12 से 14 दिन तक नहीं गलती है। अगर किसी इलाके में सूखा पड़ जाता है तो वहाँ की प्रजाति है सहभागी धान, तो सूखा सहनशील प्रजाति है, अगर सूखा पड़ गया तो अन्य प्रजातियाँ जहाँ फेल हो जाएंगी वहाँ पर सहभागी धान आपकी सीतामढ़ी में लगभग 50 से 70 किलो कट्ठा उपज दे जाती है। दूसरा है कि जो किसान की खर्च खेती में ज़्यादा लगता है, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जीरो टू बिल से खेती अगर किया जाए तो जुताई का खर्चा, खेत तैयारी का खर्चा और उसमें पानी भी कम लगता है, इसलिए किसानों का खर्च कम लगता है, उपज अधिक होती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण। अगर हम लोग लेबर से नियंत्रण कराते हैं तो एक कट्ठा में 400, 500, 300 रुपया खर्च आ जाता है। उसी जगह अगर हम लोग हर्बिसाइड की दवा का उपयोग करते हैं तो एक कट्ठा में 40 से 50 रुपये के खर्च में पूरे कट्ठा का खरपतवार नियंत्रण हो जाता है और किसान की लागत कम होने से उसका उपज बढ़ जाती है। दवा डालते समय हम लोग एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते हैं कि दवा को शरीर में नुकसान न हो, इसलिए दवा डालते समय मास्क, ग्लव्स, जूता और कैप ये सब लगा के उपयोग करेंगे, ताकि केमिकल का शरीर में हमारे प्रवेश कम होगा और शरीर का नुकसान कम होगा। दूसरा ये जो भी हम लोग खेती का, बकरी का और ये बुआई का काम करते हैं, इसके लिए हम लोग एक मॉडल बनाए हुए हैं, PSP मॉडल, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर। ये किसानों के साथ में इनको मीटिंग करा दिया गया है, इनका परिचय हो गया है, इनको कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया है, ताकि ये अच्छी सी सेवा दे सके और किसान का इसका उचित लाभ मिल सके। ये गांव में सेवा देते हैं और सेवा देने के बदले किसान उसका उचित मूल्य इनको देता है। आगे चल के अगर हमारी परियोजना नहीं रहती है तो PSP मॉडल हमारा चलता रहेगा और किसान बराबर सेवा लेता रहेगा। जो भी नई नई तकनीक निकली हैं ये कंटिन्यू हमारे फील्ड में चलती रहेंगी, इसका उचित लाभ किसानों को। सीतामढ़ी जिला में किन किन स्थानों पर आप ट्रेनिंग देते हैं? सीतामढ़ी के 3 ब्लॉक हैं, रुनिसौतपुर, बेलसन और परसौनी। तीनों ब्लॉक मिला करके हम लोग 35 गाँव में डायरेक्ट में काम करते हैं, बाकी अन्य गाँव हैं उसमें इनडायरेक्ट काम करते हैं। अन्य कितने गाँव हैं? अन्य गाँव लगभग 150 गाँव हैं, जो हमारे बुआई वाले PSP हैं ये दूसरे गांव में जा करके अपने धान में DSR, रबी में, खरीफ में सीधी बुआई करते हैं और रबी में जीरो टिल की बुआई ये अन्य गांव में जा करके करते हैं, इसका ये उचित दाम उस किसान से ले लेते हैं। कितने वर्षों से ये आपका संस्था ये काम कर रहा है? संस्था हमारी तो 12 वर्ष हो गए सीतामढ़ी जिले में चलते हुए और इराज परियोजना हमारा 2007 से चल रहा है। 2012 से इसकी तकनीकी सहयोग जो देता है वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, फाइनेंशियल सपोर्ट CRS का है और हम लोग उसको फील्ड में GDS इसको इम्प्लीमेंटेशन करती है। ये परियोजना बिहार के 4 जिलों में चलती है, औरंगाबाद, बेतिया और गया और सीतामढ़ी, 4 जिलों में ये परियोजना चल। इसकी ट्रेनिंग कब तक होती है? इसकी ट्रेनिंग खरीफ सीजन के पहले होती है, रबी सीजन पहले होती है, जो भी इवेंट करना है उसके सीजन के 1 महीना पहले वैज्ञानिकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है किसानों को, PSP को और हमारे स्टाफ को, ताकि इसको अच्छे से उपयोग किसान कर सके। सर, आपकी संस्था को फॉरेन एड मिलती है या मतलब कि नेशनल एड या नहीं? ये हमारा बिलगेट्स फाउंडेशन से पहले था, अब CRS की फंडिंग है, यानी फॉरेन एड से। हाँ, फॉरेन। किन देशों से आपका फॉरेन एड मिलता है? ये हमारा बिलगेट्स से है, अमेरिका से। अमेरिका से? जी सर। अमेरिका की भी टीम आती होगी बराबर? वो साल में 2 बार जरूर आती है, बीच में तो कभी प्लान बना सकती है, लेकिन साल में 2 बार जरूर आती है, बीच में मॉनिटरिंग करने, वैल्यूएशन करने और जो हम लोग काम करते हैं उसका अवलोकन करने और किसानों से डायरेक्ट बातचीत करते हैं कि जो हम लोग करा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है और इसका फीडबैक ले जाते हैं। अगर किसान को नया फीडबैक देता है कि सीतामढ़ी में ये अच्छी चीज़ है, इसमें सुधार करने का आवश्यकता है, तो वो चीज़ भी हम लोग वैज्ञानिक पहुँचाते हैं या उधर आते हैं ले जाते हैं, फिर उसमें वो अपना अपने रिसर्च के आधार पे अपना उसमें बदलाव करते हैं। फिर कब आ रही है ये अमेरिका की टीम? ये टीम इसी से मतलब सितम्बर में, उम्मीद है कि लास्ट सितम्बर तक वो दोबारा आने की संभावना उनकी है।
लेकिन अभी कोई प्लान ऐसा फिक्स नहीं है।